अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में जर्नल वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्रेडिट नोट वाउचर क्या है और उसमें सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया था, और आज आप जानेंगे जर्नल वाउचर के बारे में। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है जिसे हम पहले ही दूर कर देते हैं। हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग में बताया था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, या सरल शब्दों में कह सकते हैं जर्नल एक पुस्तक के रूप में होती है जिसमें सभी ट्रांजैक्शन तिथिवार और क्रमानुसार रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये भी बताया था कि टैली ने कंप्यूटर अकाउंटिंग में जर्नल के स्थान पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए 8 अलग अलग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स बना दिए हैं, जिसमें से अभी तक हम 7 वाउचर्स के बारे में समझ चुके हैं। और जो 8वां वाउचर है जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं, उसका नाम भी टैली ने जर्नल वाउचर रखा है। यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि मैनुअल अकाउंटिंग में जो जर्नल होता है, टैली ने उसे 8 वाउचर्स में बांट दिया है, और उसका जो 8वां वाउचर है उसका नाम भी जर्नल वाउचर है। तो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैनुअल अकाउंटिंग का जर्नल और टैली का जर्नल वाउचर दोनों एक ही हैं। जैसा कि हमने आपको वाउचर्स क्या हैं और उनके उपयोग वाली वीडियो में बताया था, टैली में जर्नल वाउचर में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है वो है ओपनिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एंट्रीज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ चेक्स, क्रेडिट परचेसेस एंड सेल ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, एंट्रीज ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज एटसेट्रा। अभी सरल भाषा में इतना समझ लीजिए कि जिन ट्रांजेक्शन्स को हम टैली की इस वीडियो सीरीज में पहले बताए गए 7 वाउचर्स में से किसी भी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि इस वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, इसलिए इसे एडजस्टमेंट वाउचर भी कहा जाता है। अभी हम आपको इस वीडियो में कुछ सरल एंट्रीज बता रहे हैं, बाकी सभी एंट्रीज आगे हम आपको जर्नल वाउचर के एडवांस पार्ट में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हमें बहुत सी अन्य बातों की जानकारी होना भी आवश्यक है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि जर्नल वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर की तरह ही डेबिट और क्रेडिट का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है, यानी वाउचर मोड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर दोनों में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय एक पक्ष कैश या बैंक का होता है, और कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय दोनों ही पक्ष कैश और बैंक के होते हैं, जबकि जर्नल वाउचर में प्रायः कैश या बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए अब जर्नल वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, 2 मई को रॉयल फर्नीचर के बिल नंबर 311 से हमने 25,000 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा। पहले हमने बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तु हम उधार खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं है, यानी हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि यदि हमने फर्नीचर नकद खरीदा होता तो इस ट्रांजेक्शन को हम सीधे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते।
इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों पक्ष कौन से हैं और उनमें कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, इसकी प्रैक्टिस हम आपको पहले अच्छे से करवा चुके हैं। यहाँ रॉयल फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट होगा और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। आइए जर्नल वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे। यहाँ जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की है F7, हम इसे प्रेस कर रहे हैं। देखिए जर्नल वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। डेट बदलने के लिए F2 प्रेस करें। डेट चेंज करने के बाद एंटर प्रेस करें। पर्टिकुलर के नीचे DR दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हमें जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसे सिलेक्ट करना होगा। हम फर्नीचर अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ अमाउंट डालें। एंटर प्रेस करते हुए हम CR पर आ गए हैं। यहाँ हमें CR ही चाहिए, इसलिए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। अब हमें जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है यहाँ उसे सिलेक्ट करें। चूंकि रॉयल फर्नीचर का लेजर बना हुआ नहीं है तो उसे बना लेते हैं। ध्यान रखें इसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में बनेगा। उसका कारण ये है कि ये भी हमारी देनदारी है। देखिए CR में रॉयल फर्नीचर का नाम आ रहा है, साथ ही क्रेडिट में अमाउंट भी आ गया है। यहाँ इसका नरेशन टाइप करें। अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। दूसरा ट्रांजैक्शन है, हमें अशोक ट्रेडर्स से कमीशन का 5,000 रुपए का ICICI बैंक का जो चेक 1 मई 2020 को प्राप्त हुआ था, जिसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया था, वो चेक 31 मई को बैंक से डिसऑनर होकर यानी बाउंस होकर वापस आ गया। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें। इस तरह का ट्रांजैक्शन न तो पेमेंट है, न रिसीट है, न परचेज है और न ही सेल। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शन किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होता उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले F2 की प्रेस करके तारीख बदल लें। ध्यान दें, हमें जब चेक प्राप्त हुआ था तब हमने सीधे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करके बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था, पर यहाँ हम कमीशन अकाउंट को डेबिट न करते हुए सीधे उस पार्टी के अकाउंट को डेबिट करेंगे जिसने हमें चेक दिया था, क्योंकि हम कमीशन वापस नहीं कर रहे हैं। कमीशन तो हमें लेना ही है, अब हमें ये अमाउंट उस पार्टी से लेना है, इसलिए यहाँ हम उस पार्टी को डेबिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अमाउंट डाल दें। अब आगे देखते हैं, जब हमें चेक प्राप्त हुआ था तो हमने उसे बैंक में जमा किया था और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय बैंक के अकाउंट को डेबिट किया था, और अब बैंक ने हमें वो चेक वापस दे दिया है तो हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। यानी हमारा ये ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होना है। DR में तो हमने अशोक ट्रेडर सिलेक्ट कर लिया, किंतु CR में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में बैंक का नाम नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रायः जर्नल वाउचर में कैश या बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं किया जाता है। यही कारण है कि टैली हमें यहाँ ये लेजर्स नहीं दिखा रहा है। इसके लिए आप सीधे कैश या बैंक का नाम टाइप करें। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर रहे हैं। देखिए स्टेट टाइप करते ही लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में बैंक का नाम दिखाई पड़ने लगा है। इसका एक तरीका और भी है, आप लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में शो मोर पर डबल क्लिक करें। ऐसा करते ही कैश और बैंक से संबंधित सभी लेजर्स के नाम दिखाई पड़ने लगेंगे। आप उनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। क्रेडिट में अमाउंट अपने आप आ गया है, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही बैंक अलोकेशन विंडो आ गई है। इसमें यहाँ हमें वापस आए यानी डिसऑनर हुए चेक का नंबर टाइप करना है।
यहाँ पर चेक की तारीख टाइप करनी होगी। अंत में नरेशन टाइप करें और अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए आपको जर्नल में रिकॉर्ड होने वाले कुछ ट्रांजेक्शन्स और बता देते हैं। मान लीजिए हमारा व्यापार कपड़े का है और हमने अपने शोरूम का पुराना फर्नीचर शरद यादव को उधार बेचा। देखते हैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इस ट्रांजेक्शन को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें सेल की गई है, पर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, हम जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनके अलावा अन्य कोई सामान बेचते हैं यानी सेल करते हैं, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। उसके स्थान पर यदि हम इस तरह का कोई सामान नगद बेचते हैं तो उसे डायरेक्टली रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, और यदि उधार बेचते हैं तो उसे हम जर्नल वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। मान लीजिए हमने सुधीर दुबे को 50,000 रुपए उधार दिए थे जिसका ब्याज 1,000 रुपए हमें उससे लेना है, तो देखते हैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ हमें लेना है इसलिए उसका प्रोविजन कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने जर्नल वाउचर के कुछ सामान्य उपयोगों के बारे में जाना। आगे इंटरमीडिएट लेवल में हम आपको इसके अन्य महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में बताएंगे। इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अभी हमने वाउचर्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं उन्हें डे बुक में कैसे देखते हैं। साथ ही बताएंगे कि ट्रांजेक्शन में जो लेजर्स उपयोग किए थे उन पर ट्रांजेक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वे लेजर्स में कैसे दिखाई पड़ते हैं।